ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइस, अगर आपसे कोई कहे दैट आपको आईएएस की तैयारी फ्री में करा दिया जाए, जिसके लिए एस्पिरेंट्स 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक खर्च कर देते हैं इस आईएएस की तैयारी करने के लिए, अपने 2 से 3 साल गवा देते हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए, वही आपसे कोई कहे कि आपको आईएएस की तैयारी जस्ट फ्री में करा दिया जाएगा, तो क्या आप इसके लिए आप इसका लाभ उठा सकते हैं? आज की इस वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट सूचना आपके सामने ला रहा हूं, जिसके माध्यम से आप आईएएस की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं, और मेनली दी फाइनेंशियल वीक बैकग्राउंड कैंडिडेट्स, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। आप इस वीडियो में अंत तक देखेंगे, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इस आईएएस की तैयारी के लिए, फ्री कोचिंग के लिए। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये प्रोग्राम क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, फ्री में करें आईएएस की तैयारी। यस फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट, इफ़ यू आर आस्क्ड दैट यू विल हैव फ्री कोचिंग फॉर आईएएस, विल यू गेट शॉक, फ्री में आपको आईएएस की तैयारी करने का मौका। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, क्या नहीं है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके अप्लाई करने के लिए। डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझाया जाएगा, ताकि आप, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हैं, अगर आप गरीब हैं, इफ़ यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड यू हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग आईएएस, अगर आप पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं और आपका ड्रीम एक दिन आईएएस बनकर देश का सेवा करना है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस लॉकडाउन में एक आदमी का तो नाम जरूर सुने होंगे, वो हैं सोनू सूद सर। अब सोनू सूद सर का नाम अब क्यों सुने होंगे, क्योंकि जब लॉकडाउन लगाया गया था तो बहुत सारे माइग्रेंट्स अपने घर लौट रहे थे, तो उनके आने जाने में बहुत दिक्कतें थी, राशन में बहुत दिक्कतें थी, तो उनके लिए ये सोनू सूद सर बहुत बस अरेंज करवाए थे और ट्रेन भी बुक करवा दिए थे, और उन माइग्रेंट लेबर के नौकरी के लिए वो कुछ कुछ योगदान भी किए हैं डोनेशन के लिए, और कई सारे कैंपेन चलाए हैं। मतलब ये एक तरह के फिगर बन गए हैं, एज एन फेमस पर्सनालिटी हु हैज़ डन समथिंग फॉर द ह्यूमन, इस तरह का ये एक पर्सनालिटी बन चुके हैं। आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा, इवन जब कोविड का सेकेंड वेव आया तो बहुत लोगों की जान जा रही थी ये कोविड के कारण, उस समय फ्री में कोविड ट्रीटमेंट, वेंटिलेटर सेवाएं, यही सोनू सूद अपने वेबसाइट, अपने रीच के कारण दिलाएं। इवन मिनी क्रिकेटर्स लाइक सुरेश रैना हैव गॉट द सपोर्ट ऑफ सोनू सूद। इवन बॉलीवुड में कई सारे स्टार्स और क्रिकेट की दुनिया में, जैसे कि सुरेश रैना, इन तरह के स्कीम का हेल्प ले चुके हैं, और वो भी अपने परिवार के इलाज के लिए वेंटिलेटर की मांग किए थे सोनू सूद से, और उन्हें दिलाया गया था। तो अभी मैं आपको टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं कि फ्री में आप आईएएस की तैयारी के लिए कैसे एनरोल कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सरकारी एग्जाम के सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप गूगल में जाइए, गूगल में जाकर आपको एक चीज़ टाइप करना पड़ेगा, www.sonusoodcharityorganization charity foundation, ये आपको खोल लेना है। उसके बाद जो आपका पहला लिंक आएगा आपके स्क्रीन पर, जो फर्स्ट लिंक आएगा, आप इसे ओपन कर लें। ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है सोनू चैरिटी
फाउंडेशन आप इसे ओपन कर लें। मैं इसे ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आपके फ़ोन पे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस क्या हुआ कि ये नो लाइट नो कैमरा ओनली इस तरह का इंटरफेस होगा, और ये साइड में दो बटन दिखेंगे, ये दोनों बटन आप इसे क्लिक कर दें। बटन को क्लिक करते जाएं, जैसे कि मैं क्लिक कर दिया हूँ। देखिए अब आप जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है आई प्लेज फ्री IAS कोचिंग फॉर स्कॉलरशिप, आप इसको नीचे स्क्रॉल करें और जो यहाँ पे रजिस्टर वाला जो आइकन आ रहा है, इस रजिस्टर वाला आइकन को क्लिक कर लें। जो यहाँ पे रजिस्टर वाला आइकन आ रहा है आप इसे क्लिक कर लें। क्लिक हो गया। अब आपके सामने एक गूगल पेज का एक पेज ओपन होगा। अब देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर नाउ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज़ अप्लीकेबल ओनली टिल 30th June 2021। मतलब अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं, आज हो गया 27 जून, अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप इस रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। अब आपके सामने एक गूगल पेज का एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस ओपन होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोड हो रहा है और ओपन होने वाला है, अभी कुछ टाइम लगेगा, नेट के कारण स्लो हो रहा है। आप देखिए आ गया है इंटरफेस आपके सामने। रजिस्टर फॉर फ्री संभवंद फ्री कोचिंग प्रोग्राम। इस कोचिंग प्रोग्राम का नाम सोनू सूद जी हैं संभवम। संभवम का मतलब होता है कि संभव है, इवन फॉर द पुअर पीपल, पुअर पीपल के लिए भी ये वाला संभव है। जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे फिल करने के लिए बहुत सारा रीजन आएगा, जैसे कि आपका नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जेंडर, आपका एड्रेस वगैरह, आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डिटेल में आपको सारी चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपके लिए अभी डिटेल में आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या फिल करना है। जैसे कि जो यहाँ पे रेड वाला जो आइकॉन आएगा, रेड वाला आइकॉन का मतलब होता है कि दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब आपको कंपलसरी फिल करना है। तो यहाँ पे आपको नेम फिल करना है, आप यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर सकते हैं। अगर आपका नाम सोनू कुमार है तो आप यहाँ पे सोनू कुमार फिल कर दें, सौरभ कुमार फिल कर दें, आपको जो नाम है वो फिल कर दें। उसके बाद ये देखिए ईमेल आईडी, आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी फिल कर सकते हैं, अपना पर्सनल ईमेल आईडी फिल करें ताकि आपको आसानी से कॉन्टैक्ट कर लिया जाए। अगर आपका ईमेल आईडी कुछ है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी के बाद आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगा जाएगा। यू हैव टू फिल योर फ़ोन नंबर विथआउट कंट्री कोड, जैसे कि इंडिया का कंट्री कोड +91 है तो आपको ये कंट्री कोड नहीं डालना है। और ज़्यादातर आप अपना पर्सनल नंबर डालें क्योंकि कॉन्टैक्ट करने में ये फैकल्टी को कॉन्टैक्ट करने में आपको आसानी हो जाए। ये सारा चीज़ जो मैं बताया हूँ अभी तक, ये सारे चीज़ कंपलसरी है डालना क्योंकि यहाँ पे रेड का मार्क लगा हुआ है। उसके बाद देखिए आपसे व्हाट्सएप नंबर पूछा गया है। ये व्हाट्सएप नंबर ऑप्शनल है, और ऑप्शनल क्यों है क्योंकि यहाँ पे रेड वाला मार्क नहीं है, इसीलिए ये वाला ऑप्शनल है। अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो आप वो ज़रूर दे दें। उसके बाद आपको अपना जेंडर भरना होगा, आप अगर जो मेल हैं तो इसमें क्लिक कर दें, फीमेल है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, अदर हैं अगर जो कोई और थर्ड जेंडर है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मेंशन कर दें कि आप कौन जेंडर हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप थर्ड जेंडर में आता तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आपको अपना जेंडर लिखना होगा यहाँ पे, ये जो कीबोर्ड आया इस तरह से। उसके बाद अगला है आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस विथ ऑल डिटेल, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, तालुक वगैरह डिटेल में भरना पड़ेगा। और उसके बाद आपको भरना पड़ेगा कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, रूरल से या अर्बन है या सेमी अर्बन, जो कि एक तरह का टाउन से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपना करेंट एड्रेस, मतलब अभी आप कहाँ हैं, जैसे कि अभी आप अगर जो कुछ की तैयारी कर रहे हो तो आप दिल्ली में होंगे, आप वाराणसी में होंगे या आप चेन्नई में होंगे, तो अब आप अभी का एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं कि अभी आप व्हाट इज़ योर करेंट एड्रेस, ये अभी का ये करेंट एड्रेस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग यू हैव टू फिल अबाउट
व्हाट इज द एनुअल पेरेंट इनकम, अपने पेरेंट्स का एनुअल इनकम दें। एंड एनुअल इनकम यहाँ पे मांगा है, यहाँ पे मंथली नहीं मांगा है, इसीलिए आप मंथली बिल्कुल ना दें, आपको एनुअल इनकम ही देना है। और वो एनुअल इनकम वेरीफाइड होना चाहिए विथ सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भारत सरकार से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वही उसी का इनकम सर्टिफिकेट का जो इनकम रहेगा वही आपको मेंशन करना पड़ेगा। इन्हें कि आप फर्जी में कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि आपसे वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करने के लिए भी कहा जा सकता है वो सारे डॉक्यूमेंट जितने भी यहाँ पे डिमांड किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड थिंग्स। नेक्स्ट थिंग है डू यू बिलोंग टू द पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग की श्रेणी में आते हैं। पर्सन विथ डिसेबिलिटी का मतलब जैसे कि कोई अंधा है, कोई लूल्हा है, लंगड़ा है, इस तरह के मतलब, क्या आप विकलांग की श्रेणी में आते हैं। अगर यस हैं तो यस वाला आइकन क्लिक कर दें, नो है तो नो वाला आइकन क्लिक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर करंट प्रोफाइल। करंट प्रोफाइल मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, क्या आप कोई बिजनेस रन करते हैं, या कोई अदर चीज़, मतलब क्या आप गवर्नमेंट सेक्टर या डिफेंस में जॉब कर रहे हैं, या आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट भर दें, अगर आप अदर सेक्टर में हैं तो आप अदर सेक्टर क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि जैसे कि वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी, वर्किंग इन इंडियन एयरफोर्स, वर्किंग इन इंडियन आर्मी, वर्किंग इन SSC अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे आप कुछ भी भर सकते हैं बेस्ड ऑन योर करेंट प्रोफाइल, आपका करेंट प्रोफाइल क्या है। नेक्स्ट आपको भरना है व्हाट इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है अभी का, क्या आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप एक ग्रेजुएट हैं मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, क्या आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं मतलब आप PhD कर चुके हैं, मतलब आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्लिक ऑन दीज आइकन्स विच आर मेंशनड हियर। नेक्स्ट थिंग है नेम ऑफ द कॉलेज विच यू अटेंडेड लास्ट आर यू आर करंटली अटेंडिंग, मतलब अभी आप कौन सी कॉलेज में, कौन से इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई अगर जो BTech कर रहा होगा तो वो IIT में पढ़ रहा होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ IIT कानपुर और कमा उत्तर प्रदेश। मतलब अगर आप BHU में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कमा UP। अगर आप IIT बॉम्बे में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दें IIT बॉम्बे कमा महाराष्ट्र। इस तरह से आपको मतलब आपका अभी करेंट कॉलेज जो चल रहा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी हो तो आप यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी लिखकर बिहार लिख दें, इस तरह का आपको फिल करना है। नेक्स्ट थिंग इज नेम ऑफ द लास्ट कोर्स विच यू हैव कम्प्लीटेड और करेंटली परसुइंग, मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अगर आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं वो BA हो सकता है, BSc हो सकता है, BTech हो सकता है, BCom हो सकता है, कुछ भी कोर्स आप यहाँ पे मेंशन कर दें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है BTech इन कंप्यूटर साइंस। अगर आप BA कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई लड़का BA इन पॉलिटिकल साइंस कर रहा होगा तो वो मेंशन करेगा BA कमा पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से उसे मेंशन करना पड़ेगा। या कोई BA इन हिस्ट्री कर रहा होगा या BA इन कोई लैंग्वेज हिंदी लिटरेचर कर रहा होगा, इंग्लिश लिटरेचर कर रहा होगा तो उसे मेंशन करना है BA कमा हिंदी लिटरेचर या फिर इंग्लिश लिटरेचर, इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज योर क्लास 10th परसेंटेज और CGPA, मतलब आपको 10th स्टैंडर्ड में कितना मार्क आया था। अगर आप CGPA के सिस्टम के तहत हैं तो आपको यहाँ पे CGPA मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज में मार्क आया है तो आप यहाँ पे परसेंटेज भर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है 90% हो सकता है, 88% हो सकता है, 95%, मतलब कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर मार्क स्कोर्ड इन 10th स्टैंडर्ड। आपको 10th में जो मार्क आए वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नेम ऑफ योर 10th स्कूल बोर्ड, मतलब आपको जो यहाँ पे मार्क आया था 10th में वो आप किस बोर्ड से लिए हैं। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आप CBSE से भर दें, अगर आप ICSE बोर्ड हैं तो आप ICSE पे क्लिक कर दें, लेकिन अगर आप कोई स्टेट बोर्ड हैं तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कर यहाँ पे अदर क्लिक कर दे और अपना स्टेट बोर्ड लिख दे, जैसे कि वो महाराष्ट्र बोर्ड हो सकता है, UP बोर्ड हो सकता है,
बिहार बोर्ड हो सकता है, मतलब बेस्ड ऑन योर स्कूल बोर्ड यू कैन फिल हियर इन इन दिस केस। अब आपको फिल करना है व्हाट इज योर इंटरमीडिएट परसेंटेज और सीजीपीए, मतलब आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए थे उसका परसेंटेज, या अगर सीजीपीए में आपको मार्क मिला होगा तो आप उसका सीजीपीए यहां पे फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग है कि नेम ऑफ योर इंटरमीडिएट क्लास बोर्ड, मतलब या आप ये जो इंटरमीडिएट किए थे ये किस बोर्ड से किए थे, आप सीबीएसई से किए तो सीबीएसई से, ये मतलब सिमिलर टू टेंथ वाला फंडा यहाँ पे चल रहा है। अगर आप आईसीएसई किए तो यहाँ पे आईसीएसई पे क्लिक कर दें। अगर आप अदर बोर्ड मतलब कोई स्टेट बोर्ड या कोई अदर बोर्ड से किए होंगे या कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से किए हैं तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक करके अपना जो बोर्ड से किए हैं आप वो बोर्ड का नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे चीज रिक्वायर्ड है, दिस एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज दिस रेड मार्क इज शोन हियर। अब आपसे आपको ग्रेजुएशन में परसेंटेज पूछ रहा है, तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो आप अपना ग्रेजुएशन का मार्क भर दें। अगर आप ग्रेजुएशन आपका चल रहा है, जैसे कि आप अभी फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, तो आपको फर्स्ट ईयर में जो मार्कशीट आया होगा, फर्स्ट ईयर का जो मार्क्स आया होगा वो मार्क्स यहाँ पे भर सकते हैं, सेकेंड ईयर का जो मार्क आया होगा वो भर सकते हैं, या आप ग्रेजुएट हैं मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा तो आप अपना ग्रेजुएशन का परसेंटेज भर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी ट्वेल्थ कर रहे हैं, नाउ यू आर परस्यूइंग ट्वेल्थ अंडर, लेकिन आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन इन प्रोग्रेस, मतलब ग्रेजुएशन इन प्रोग्रेस, और आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि परस्यूइंग ट्वेल्थ अंडर नाउ, आप ये मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, तो आपको मतलब समझ लिया जाएगा कि आप ट्वेल्थ के अभी छात्र हैं। नेक्स्ट थिंग इज डू यू हैव एनी हायर क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल डिग्री, गिव डिटेल्स अलॉन्ग विथ सीजीपीए। अगर आप कोई एक्स्ट्रा डिग्री किए हैं इनमें से मेंशन, जैसे कि इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के अलावा कुछ और डिग्री किए हैं अदर देन योर बीए, अदर देन योर ग्रेजुएशन, इफ़ यू हैव डन सम एक्स्ट्रा डिग्री, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आपका कौन सा डिग्री था और उसमें आपको कितना परसेंटेज मार्क्स आया था, आपको अगर सीजीपीए बेस्ड एग्जाम था तो आपको कितना सीजीपीए आया था, ग्रेडिंग बेस्ड एग्जाम था तो आपको कितना ग्रेड आया था, ये कम्प्लीटली यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वालिफिकेशन, एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, ये हायर क्वालिफिकेशन पीएचडी भी हो सकता है, अगर आप पीएचडी किए हुए हैं या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप यहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं, अपना मार्क्स फिल कर और अपना क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच मीडियम यू वांट टू प्लान फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, मतलब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम किस मीडियम में देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या कोई अदर मीडियम, जैसे कि स्टेट के लिए, जैसे कि अगर आप पंजाब से हैं तो आप पंजाबी मीडियम, गुजरात में है तो गुजराती मीडियम, मतलब आप किस मीडियम में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश या कोई और मीडियम, तो आप इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देना है तो इस इंग्लिश वाले आइकन पर क्लिक कर लें, हिंदी में देना है तो आप इस हिंदी वाले आइकन पर क्लिक कर लें। नेक्स्ट थिंग विच ऑप्शनल सब्जेक्ट यू वांट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम देने के लिए आपको कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना रहता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनमें से किस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं। अगर आप ज्योग्राफी चूज करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी भर लें, पॉलिटिकल साइंस चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, सिमिलरली सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी लिटरेचर, या अगर अभी आपको पता नहीं है कि आप क्या चूज करने वाले हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं नॉट डिसाइडेड एट, मतलब अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मेरे को कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। या इनके अलावा आपको कोई और सब्जेक्ट लेना है, कोई जैसे कि अगर आप हिंदी लिटरेचर में किए होंगे ग्रेजुएशन तो आपको हिंदी लिटरेचर लेना पड़ेगा, यही अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अदर क्लिक करके यहाँ पे अपना वो सब्जेक्ट का नाम लिख दें, जैसे मैथमेटिक्स, अगर आपको
कोई स्टेट का लैंग्वेज लेना हो, जैसे कि अगर आप गुजरात के हैं तो आप मतलब गुजराती में मान के चलिए बीए किए हुए हैं, तो आप इस अदर वाले आइकन पर क्लिक कर दे, यहाँ पे मेंशन कर दे गुजराती इज़ माय ऑप्शनल सब्जेक्ट, इस तरह से आपको ये वाला कॉलम फिल करना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कॉलम जो है आपके सामने, ये पूछ रहा है कि हैव यू क्वालिफाइड एनी स्टेज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज अर्लियर, मतलब क्या आप पहले कभी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं? अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स किए हैं यूपीएससी का, यस क्लियर्ड प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी, तो आप इस पर क्लिक कर लें। यस क्लियर्ड मेंस ऑफ यूपीएससी, अगर आप मेंस क्लियर किए हैं, इफ़ यू हैव क्लियर्ड मेंस ऑफ यूपीएससी, तो आप यहां पे क्लिक कर दें। आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज, अगर आप कोई स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स निकाले हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टेट पीसीएस का मेंस तक निकाल चुके हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या अभी तक आप कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर किए हैं, मतलब अभी तक या आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, अभी तक इनमें से आप कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर किए हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी तक आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, मतलब आपको अभी तक अपीयर होने का मौका ही नहीं मिला है, तो आप इस अदर पर क्लियर कर सकते हैं। इस अदर पर क्लियर कर दें और यहाँ पर मेंशन कर दें कि नॉट एट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, मतलब अभी तक मैंने एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुआ हूँ। इस अदर पे क्लियर करने के बाद यहाँ पे मेंशन कर दें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप पहले कभी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिए हैं, अपीयर हुए हैं, या आप क्वालिफाई किए हैं कि नहीं, ये आपसे मतलब पूछा गया है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हैव यू टेकन और करेंटली टेकिंग एनी कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप पहले सिविल सर्विसेज का कोई कोचिंग लिए हैं या अभी कोई कोचिंग ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं या ले चुके हैं तो यस पे क्लिक कर दें, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। सो दिस इज वेरी मच श्योर। नेक्स्ट थिंग इज विच मोड ऑफ द कोचिंग यू आर कंफर्टेबल विथ, मतलब आपको किस मोड में कोचिंग लेना है, ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है या दोनों मोड में लेना है, हाइब्रिड मोड में जिसे हाइब्रिड बोला जाता है। तो अगर आपको ऑनलाइन लेने में ठीक हो रहा है तो आप ये ऑनलाइन पे क्लिक कर दें। अगर आप ऑफलाइन दिल्ली में लेना चाहता है, जो कि यूपीएससी का एक हब है, दिस इज हब ऑफ यूपीएससी न्यू दिल्ली, अगर आपको दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग लेना है तो आप इस पे क्लिक कर दें, या आपको हाइब्रिड मोड में कोचिंग लेना है बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये स्टार मार्क लगा हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज गिव डिटेल्स अबाउट अचीवमेंट्स अवार्ड्स रिसीव्ड पोजिशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन स्कूल कॉलेज, ऑल्सो गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर हॉबीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हैं अपने स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल, मतलब अगर आप कोई रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आप मतलब कई सारे टूर्नामेंट चैंपियनशिप कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे कि फुटबॉल चैंपियनशिप, हॉकी चैंपियनशिप, बास्केटबॉल चैंपियनशिप, और या कभी आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि डिबेटिंग कंपटीशन हो गया, डिक्लेमेशन हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, क्विज हो गया, या आप कभी नेशनल लेवल पर कोई भी अचीवमेंट आपको मिला है स्पोर्ट्स में, आप नेशनल लेवल बॉक्सर हो, नेशनल लेवल कुछ कबड्डी प्लेयर हो, आप वो सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या कभी आप कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं आइदर स्कूल इन कॉलेज, कॉलेज में आप हो सकता है कि स्टूडेंट यूनियन का आप हेड रहे होंगे, या कोई डिपार्टमेंट मतलब फैकल्टी का हेड रहे होंगे, और या स्कूल में आप कभी अपने आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जैसे कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपको कभी आप हाउस कैप्टन बने हैं, कभी आप कोई गेम का टीम कैप्टन बने हैं, अगर आप बने हैं तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये वाला जो कॉलम है ना, ये सारे आपको डिटेल में यहाँ पे मेंशन करना है। या आपका हॉबी क्या है, हॉबी मतलब आपको किस चीज़ में मज़ा लगता है, आपको पढ़ने में मज़ा लगता है, मतलब आप फ्री टाइम में क्या करते हो, इन फ्री टाइम व्हाट यू डू दैट बिकम्स योर हॉबी। जब आप फ्री टाइम में हो तो आप क्या करते हो, जैसे कि आप बुक्स रीडिंग करते होंगे, या इंटरनेट से कुछ वीडियोस देखते होंगे, गेम खेलते होंगे, या कुछ भी करते होंगे, दिस बिकम्स योर हॉबी। तो इन डिटेल यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट व्हाटएवर इट इज आस्क्ड हियर, या
कभी आप एनसीसी में भाग लिए होंगे, आप रिपब्लिक डे कैंप अटेंड किए होंगे, तो एवरीथिंग यू कैन मेंशन इन दिस केस। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू फील दैट यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द स्कॉलरशिप। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों लेना चाहते हैं। तो आप अगर पुअर बैकग्राउंड से हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आई एम फ्रॉम फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड बट माय फादर इज़ अनेबल टू परस्यू एनी फर्दर स्टडीज इन हायर एजुकेशन, माय फादर इज़ नॉट एबल टू हेल्प इट आउट ड्यू टू लो इनकम, सो आई वॉन्ट टू गेट बेनिफिट ऑफ योर स्कीम बिकॉज आई वॉन्ट टू फुलफिल माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग IAS। मतलब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि माई फादर मतलब फिनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से हैं और मेरा सपना IAS बनने का है और इसी तरह से मैं आपके इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता हूँ। तो मतलब आपके अनुसार से ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया हूँ, आप मतलब डिट्टो ने कॉपी कर दीजिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया हूँ। इसी एग्जाम्पल के तरह पे सभी कैंडिडेट का अलग अलग रीजन हो सकता है, तो जो रीज़न आप पे सटीक बैठता है वो वाला रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हैं, भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू केम टू नो अबाउट दिस इनिशिएटिव, मतलब आप इस इनिशिएटिव के बारे में कैसे जानकारी हुए, फ्रेंड से, मीडिया से, वेबसाइट से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, टेलीग्राम से। तो अब अभी अभी आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चला है इस यूट्यूब चैनल से, तो आप इस अदर पे क्लिक करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस चैनल का नाम कंपटीशन वर्ल्ड, सी कंपटीशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मतलब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको इस स्कीम के बारे में कैसे मालूम चला, तो आपको तो कोई फ्रेंड अभी नहीं बताया, आपको मीडिया नहीं बताया, आपको वेबसाइट अभी नहीं बताया, आपको तो इस YouTube चैनल के माध्यम से मालूम हुआ है। तो आप ये अदर वाला आइकन पर क्लिक करके इस YouTube चैनल का नाम लिख दें, कंपटीशन वर्ल्ड YouTube चैनल से हमें इस इनिशिएटिव के बारे में इन्फॉर्मेशन मिला। इस तरह से आप मतलब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अदर पे क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि एनी क्वेरीज कमेंट्स सजेशन। यहाँ पे आप क्या भर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्या आपके पास कोई सजेशन है, कि आपके पास कोई डाउट है, तो अपना डाउट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाला ब्रांच सिर्फ दिल्ली में ओपन किया जा रहा है, तो अगर आप कोई और रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि पटना से बिलोंग करते होंगे, आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर सकते हो, तो आप यहाँ पे मेंशन करें कि वी वांट दिस काइंड ऑफ कोचिंग सेंटर अवेलेबल इन टॉप मोस्ट सिटीज ऑफ आवर कंट्री। आप इसे मुंबई में भी अफोर्डेबल करवा दें, पटना में भी अफोर्डेबल करवा दें। मतलब इस तरह से आप अपने अनुसार कोई कमेंट या सजेशन या क्वेरीज क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये था आपका डिटेल जानकारी अबाउट दिस संभवन IAS कोचिंग प्रोग्राम। ये संभवन प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, आप इसके लिए ज़रूर रजिस्टर करें। अगर आप 12th में हो या आपका ग्रेजुएशन चल रहा हो या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये फ्री कोचिंग जो आपको दिया जाएगा, ये सोनू सूद सर के तरफ से इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। इसमें आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा स्टडी मटेरियल का, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑफलाइन क्लासेस इन न्यू दिल्ली, जो जहाँ की आपको एक हब बोला जाता है। इसीलिए इतना चीज़ आप फिल करने के बाद ये जो सबमिट वाला बटन लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आप इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दें तो आपको सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जब कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा बेस्ड ऑन द फॉर्म फिल, मतलब आप जो फिल किए हैं इसके बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपके फ़ोन और आपके ईमेल से, आपके ईमेल और आपके फ़ोन से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। अगर आपका नाम सेलेक्ट हुआ है इस फ्री कोचिंग प्रोग्राम के लिए तो आप अटेंड कर सकते हैं। आपसे इसकी टीम कंप्लीट बातचीत करेगी और आपको डिटेल में IAS का तैयारी का सारा चीज़ आपको वो डिटेल फैकल्टी आपको दे देगी। तो आई होप सभी लोग इसके लिए समझे होंगे। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जो कि मैं आज आपको डिटेल में बताया, तो आप ज़रूर जाके अभी अभी इसे फिल कर दें, क्योंकि लास्ट डेट बस 30 जून ही है।
27 ऑफ जून आज हो गया है, बस 4 दिन अब बचा हुआ है, तो आप जरूर जाकर फिल कर दें, अभी अभी जाकर फिल कर दें डिटेल में। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि अगर वो मतलब गरीब बैकग्राउंड से हैं, फिनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हैं, तो वो सब भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं, इस फ्री आईएएस कोचिंग का, फ्री आईएएस कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं वो सारे फ्रेंड्स जो कि फिनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं, या जिनके फादर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो एजुकेशन लोन ले लेकर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को पूरा यूट्यूब पर वायरल कर दें, जिससे ये संभवन कोचिंग का जो सपना है टू गिव फ्री कोचिंग टू ऑल दी एस्पिरेंट्स, ये सफल हो जाए। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो थैंक यू, जय हिंद।